नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनुपमा साहा। हमारा संरचनात्मक प्रकारवाद पर चल रहा विवेचन आज भी जारी रहेगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको एआर रेटक्लिफ ब्राउन की बौद्धिक पृष्ठभूमि के बारे में बताया था। आज हम उनके संरचनात्मक प्रकारवाद परिप्रेक्ष्य की विवेचना प्रारंभ करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन्स पर, रेडक्लिफ ब्राउन वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द दुर्खीमियन स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी एंड देयरफॉर एम्फसाइज्ड ऑन सोशल फंक्शन एज अगेंस्ट इंडिविजुअल फंक्शन ऑफ मेलिनोस्की। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी जाना था कि रेडक्लिफ ब्राउन पर दुर्खीम के समाजशास्त्र का अत्यंत प्रभाव था, और इसी कारण जब रेडक्लिफ ब्राउन ने संरचनात्मक प्रकारवाद का अपना जो फॉर्मुलेशन दिया तो उन्होंने सामाजिक प्रकार की बात की और मेलिनोस्की के वैयक्तिक प्रकार को नकार दिया या अस्वीकार कर दिया। This school believed that social phenomena constitute a domain or order of reality that is independent of psychological or biological facts. तो दुर्खीम का जो स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी था वो ये मानता था कि सामाजिक प्रघटनाएं जो होती हैं उनका एक अलग ही उनकी एक अलग ही वास्तविकता होती है, वो एक अलग स्तर पर होती हैं और वे मनोवैज्ञानिक और प्राणीशास्त्रीय तथ्यों से परे होती हैं। Thus, social phenomena must be explained in terms of other social phenomena and not by reference to any psychobiological needs. और इसीलिए सामाजिक प्रघटनाओं को केवल सामाजिक प्रघटनाओं के माध्यम से ही समझा जा सकता है, किन्हीं मनोवैज्ञानिक या जैविक आवश्यकताओं के आधार पर नहीं समझा जा सकता। The most important element of Radcliffe Brown's perspective is the concept of social structure. Radcliffe Brown का जो परिप्रेक्ष्य है उसका आधारभूत जो अवधारणा है वह सामाजिक संरचना की अवधारणा है, और इसलिए यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि सोशल स्ट्रक्चर या सामाजिक संरचना से रेडक्लिफ ब्राउन का क्या तात्पर्य था। ही डिफाइंड सोशल स्ट्रक्चर एज पैटर्न और नॉर्मल सोशल रिलेशंस, दैट इज दोज एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल एक्टिविटीज दैट कन्फर्म टू एक्सेप्टेड सोशल रूल्स और नॉर्म्स। दीज रूल्स बाइंड सोशल ग्रुप्स टू सोशली यूजफुल एक्टिविटीज। तो रेडक्लिफ ब्राउन ने सबसे पहले सामाजिक संरचना को परिभाषित किया, और सामाजिक संरचना को परिभाषित करते हुए वे कहते हैं कि सामाजिक संरचना प्रतिमानित या सामान्य सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है। और जब वह कहते हैं सामान्य सामाजिक संबंध, तो उससे तात्पर्य उन सामाजिक गतिविधियों से है जो सामाजिक नियमों या सामाजिक जो मानदंड होते हैं, जो प्रतिमान होते हैं, उनके अनुकूल होती हैं। तो समाज में विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के बीच जो सामान्य सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है उसको वे सोशल स्ट्रक्चर कहते हैं, सामाजिक संरचना कहते हैं। दीज रूल्स बाइंड सोशल ग्रुप्स टू सोशली यूजफुल एक्टिविटीज। तो वो कहते हैं कि जो भी गतिविधियां होती हैं समाज की, उनको ये नियम या नॉर्म से ही एक अर्थपूर्ण व्यवस्था में बांध कर रखते हैं। तो इस तरह से सामाजिक संरचना जो है वह सामाजिक समूहों के बीच के पारस्परिक संबंधों और पारस्परिक गतिविधियों का की एक ऐसी व्यवस्था है जो कतिपय निश्चित सामाजिक नियमों या सामाजिक प्रतिमानों के अनुरूप होती हैं। ब्राउन फोकस्ड ऑन द कंडीशंस अंडर विच सोशल स्ट्रक्चर्स आर मेंटेन्ड। ही आल्सो बिलीव्ड दैट देयर आर सर्टेन लॉज दैट रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटीज। तो उन्होंने फिर जब एक बार यह बताया कि सामाजिक संरचना क्या है, व्यक्तियों और समूहों के बीच एक पैटर्न्ड रिलेशनशिप, एक प्रतिमानित संबंधों की व्यवस्था,
तो फिर वो आगे बढ़ते हुए यह कहते हैं कि इस व्यवस्था को मेंटेन कैसे किया जाता है, सामाजिक संरचना बनी कैसे रहती है, यह जानने के लिए हमें उन कंडीशंस, उन दशाओं को देखना होगा जिनके कारण वो सामाजिक संरचनाएं बनी रहती है। He also believed that there are certain laws that regulate the functioning of societies. और दुर्खिम और पोंट की तरह उनका भी यह मानना था कि सामाजिक प्रघटनाएं यूं ही घटित नहीं होती हैं, उनके पीछे निश्चित नियम होते हैं। कुछ निश्चित नियम हैं जो सामाजिक प्रघटनाओं को नियंत्रित करते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे प्राकृतिक प्रघटनाओं को प्राकृतिक नियम संचालित करते हैं, ठीक उसी प्रकार सामाजिक प्रघटनाओं को कुछ सामाजिक नियम संचालित करते हैं। He also modified the idea of need and replaced it with necessary conditions for existence of human societies, and these conditions can be discovered by proper scientific inquiry. मिलिनोस्की ने जो नीड की बात कही थी कि मनुष्य की या व्यक्ति की कुछ साइकोबायोलॉजिकल नीड्स होती है, कुछ मनोवैज्ञानिक और जैविक आवश्यकताएं होती हैं जिनको कल्चर के अलग अलग यूनिट्स पूरा करते हैं। रेटक्लिफ ब्राउन ने इस नीड की जो अवधारणा, ये जो आवश्यकता की अवधारणा है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया और उसको नाम दिया नेसेसरी कंडीशंस फॉर एग्जिस्टेंस, यानी अस्तित्व की आवश्यक दशाएं। तो उन्होंने कहा कि जो ह्यूमन सोसाइटीज हैं, जो सोशल स्ट्रक्चर्स हैं, जो सामाजिक संरचनाएं हैं, उनके बने रहने के लिए कुछ, उनके अस्तित्व के लिए कुछ जरूरी दशाएं होती हैं, कुछ आवश्यक दशाएं होती हैं। इन दशाओं की खोज करना जरूरी है और इन दशाओं को हम एक व्यवस्थित वैज्ञानिक खोज के माध्यम से ही उनकी पहचान हम कर सकते हैं। तो एक बार स्ट्रक्चर की जो अवधारणा है उसको स्पष्ट करने के बाद और फिर ये बताने के बाद कि हर स्ट्रक्चर के बने रहने के लिए कुछ जरूरी दशाएं होती हैं और उन दशाओं की हम जो सोशियोलॉजिस्ट है वो एक व्यवस्थित विधि के द्वारा जांच कर सकता है, पहचान कर सकता है, उसके बाद वो सामाजिक संरचना की कुछ विशेषताओं की बात करते हैं। हम एक एक करके उन्हें देखेंगे, जैसा कि आप अपने स्क्रीन्स पर भी देख पा रहे हैं इस वक्त। सामाजिक संरचना की विशेषताओं की चर्चा करते हुए सबसे पहले कहते हैं, जो पहली विशेषता है वह है एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स, यानी सामाजिक संरचना में अलग अलग प्रकार के समूह, सामाजिक समूह होते हैं। The social structure consists of all kinds of social groups like family, clan, social sanctions, social classes, caste groups, kinship system, etc. The interrelation among these groups constitutes the core of the social structure. तो जो सामाजिक संरचना है वो कई प्रकार के सामाजिक समूहों से मिलकर बनती है, जैसे परिवार, कुल, सामाजिक संस्कृतियाँ यानी सैंक्शन, क्या किया जा सकता है, क्या उचित है, क्या उचित नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है, इस तरह की मान्यताएं, सोशल क्लासेस, सामाजिक वर्ग, कास्ट ग्रुप्स, जाति समूह, किनशिप सिस्टम, नातेदारी समूह इत्यादि। और ये सारे जो अलग अलग ग्रुप्स हैं इनके बीच में एक अंतर संबंध होता है, एक इंटर रिलेशनशिप होता है, जो सामाजिक संरचना का आधारभूत तत्व होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रुप, अब जो अलग अलग ग्रुप्स हैं उनकी अपनी उप संरचनाएं होती है, उनका अपना एक आंतरिक बनावट होती है, आंतरिक संरचना होती है। These groups have specific internal structures. For example, family consists of relationships between spouses, between parents and children, and between siblings. तो वो कहते हैं कि जो अलग अलग groups हैं उनके अंदर फिर अपनी अपनी उप संरचनाएं होती हैं, जैसे परिवार के अंदर अलग पति पत्नी के बीच का संबंध होता है, माता पिता और संतान के बीच का एक संबंध होता है, भाई बहनों के बीच के आपस के संबंध होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरह के संबंधों के आधार पर हर समूह जो है वह निर्मित होता है।
अरेंजमेंट इन टू सोशल कैटेगरीज। उसके बाद जो विभिन्न समूह हैं वो अलग अलग श्रेणियों में व्यवस्थित होते हैं। दीज ग्रुप्स आर फर्दर डिवाइडेड इन टू सोशल कैटेगरीज सच एज कास्ट एंड क्लास ग्रुप्स। तो वो कहते हैं कि फैमिलीज और कुल और नातेदारी व्यवस्था एक तरह का डिवीजन है, लेकिन समाज उसके बाद कुछ ब्रॉड डिविजन्स में डिवाइडेड रहता है, कुछ मुख्य कैटेगरीज में डिवाइडेड रहता है, श्रेणियों में। ये श्रेणियाँ जाति के आधार पर हो सकती हैं, वर्ग के आधार पर हो सकती हैं और सत्ता संबंधों के आधार पर हो सकती हैं। सोशल डिस्टिंक्शन अर्थात सामाजिक विभेद। देर इज डिस्टिंक्शन बिटवीन सोशल कैटेगरीज बेस्ड ऑन सेक्स, इकोनॉमिक कंडीशंस एंड अथॉरिटी। जैसा मैंने आपको कहा कि इन जो अलग अलग श्रेणियां हैं इनके बीच में एक विभेद, एक उच्चता निम्नता या किसी तरह का भेदभाव हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, यानी लिंग के आधार पर, आर्थिक स्थितियों के आधार पर और सत्ता के विभाजन के आधार पर समाज में हमें विभेदीकरण दिखाई देता है। इसके अलावा डायडिक रिलेशनशिप्स की बात वो कह रहे हैं। डायडिक रिलेशनशिप्स स्ट्रक्चर्स कॉन्स्टिट्यूट डायडिक रिलेशंस बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स सच एज प्रोफेशनल्स एंड क्लाइंट्स, एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज, रूलर्स एंड सब्जेक्ट्स एंड सो ऑन। तो एक तरफ तो वो अलग अलग तरह के समूहों और उनके बीच में आपस के डिस्टिंक्शन की बात कर रहे हैं और उसके साथ साथ वो यह भी कह रहे हैं कि समाज में अधिकांश जो हमारा जो संरचनाएं बनी हुई हैं वो डायडिक रिलेशनशिप्स पर है, द्वियुग्मी संबंधों पर आधारित हैं, जैसे पति पत्नी, जैसे भाई बहन, जैसे प्रोफेशनल और क्लाइंट, जैसे एम्प्लॉयर नियोक्ता और उसका एम्प्लॉई, जैसे शासक और शासित। तो इस तरह से हम देखते हैं कि समाज में इस तरह की डायडिक द्वियुग्मी संबंध भी पाए जाते हैं। और जो अंतिम बात वह कह रहे हैं वह यह है कि इंटरैक्शन बिटवीन ग्रुप्स एंड पर्संस। तो ये तो उन्होंने अरेंजमेंट बताया है कि अलग अलग जो समूह होते हैं समाज के, अलग अलग हिस्से, और वे एक दूसरे के साथ किस प्रकार से व्यवस्थित हैं। पर ये समूह जो है वो कोई स्टैटिक समूह नहीं है, ये एक डायनेमिक समूह होता है। सोशल स्ट्रक्चर में डायनेमिक्स होती है, वो एक सिस्टम की क्वालिटी शो करता है। तो इसलिए जो ग्रुप्स हैं, अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग जो समूह हैं, वे निरंतर परस्पर अंतरक्रिया करते हैं और इस अंतरक्रिया के कारण उनके बीच सहयोग भी पाया जाता है, उनके बीच प्रतिस्पर्धा के संबंध भी होते हैं, उनके पास व्यवस्थापन के संबंध होते हैं, अर्थात लोगों के बीच में हितों का टकराव होता है, लेकिन वे अपने अपने हितों का एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करते हैं और व्यवस्था बनाए रखते हैं। और कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, संघर्ष के संबंध भी होते हैं, टेंशन होता है समूहों के बीच। तो इस तरह से जो अलग अलग समूह जो समाज में पाए जाते हैं, जो सामाजिक संरचना के जो अलग अलग भाग हैं उनके बीच में जो इंटरैक्शन होता है, उनके बीच जो परस्पर अंतरक्रिया होती है, उसके अनेक स्वरूप हो सकते हैं और ये स्वरूप जो है उनको ही हम सामाजिक प्रक्रियाएं कहते हैं, सोशल प्रोसेसेस कहते हैं। ये सोशल प्रोसेसेस जो है वो कोऑपरेशन के हो सकते हैं, कॉम्पिटिशन के हो सकते हैं, एकोमोडेशन के हो सकते हैं, संघर्ष के हो सकते हैं। तो अलग अलग स्वरूप होते हैं संबंधों के। तो आज की वीडियो में हम बस इतना ही चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का ये जो कंटेंट मैंने आपको आपके साथ साझा किया वो आपको उपयोगी लगा होगा। हम स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के इस अपने डिस्कशन को आगे वीडियोस में भी जारी रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।